hello students how are you all i hope that you all will be fine guys myself jiten singh jitu sir your english teacher today in this video we are going to discuss the next part of the chapter discovering tut we have already studied till his death today we will start from king tuts demise was a big event even by royal standards raja tut ki mrtiv, ek बहुत बड़ी घटना थी स्टैंडर्ड बहुत बड़ी घटना ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज़ फैमिलीज लाइन एंड इस फंडल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था और उसका दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु की तरह था बट द पर्टिकुलर्स ऑफ इज पासिंग अवे आफ्टर मैथ अनक्लियर लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद के परिणाम आज भी अस्पष्ट हैं पता नहीं है कि उसकी मृत्यु आखिर हुई कैसे पॉवरफुल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डेकेड्स एट हाइट ऑफ द एटीन डायनेस्टी गोल्डन एज अमन हुटेप थर्ड यह सबूतों को पढ़ने पर आधारित है कि वह तुत का पिता था या दादा था एक शक्तिशाली राजा था जिसने अठारहवें साम्राज्य की सुनहरे युग की ऊंचाइयों पर लगभग चार दशकों तक शासन किया हिज सन अमेन होटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इन इनिटिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट सो गाइस, इट मींस अमन हुटेप फोर्थ जो उसका लड़का था उसके लड़के ने अमन अमन हुटेप फोर्थ ने उसके बाद शासन की गद्दी संभाली और प्राचीन मिस्र के इतिहास में अजीब युगों में से एक की शुरुआत की द न्यू फैरो प्रमोटेड दर्शिप ऑफ द अटेन नए फराओ ने सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया प्रमोट किया द सन डिस्क चेंज इज नेम टू अकेन अखेन नेटन और सर्वेंट ऑफ द एटन अपने नाम को बदलकर उसने अखेन तन या एटन का सेवक रख लिया और पुरानी धार्मिक राजनीति थी, थीवस को बदलकर नए शहर अखेतातेन की राजधानी बना लिया सिटी ऑफ अखेतातेन नॉन नाव एस अमारना जिसे आज अमारना के नाम से जाना जाता है अ मेजर स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स इट मस्ट हैव ए हॉरिफिक टाइम सैड रे of डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सर्च सेंटर इन लग्जर द साइट ऑफ एंशियंट guys, इट means उसने आगे एक मुख्य देवता अमन पर हमला कर उसकी मूर्तियों को तोड़ते हुए और मंदिर का मंदिर को बंद करते हुए देश को हैरान कर दिया शिकागो विश्वविद्यालय के लक्जर में रिसर्च सेंटर जो प्राचीन थीव का स्थान था द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड वह परिवार जिसने कई सदियों तक शासन किया था अब वह अंत की ओर बढ़ रहा था एंड देन खेनातन अखेना तेन वेंट अ लिटिल वे और तब अखेनातेन थोड़ा पागल सा हो गया था आफ्टर अखेनातेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खरे एपियड ब्रीफली ऑफ एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस गाइस इट मींस अखीना तेन की मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए समेन खरे नाम के एक शासक ने शासन किया और उसने बिना पहचान बनाए ही इस दुनिया से बेदा ली और तब एकदम जवान तूतन खातेन ने सिंहासन संभाला थ्रोन उसने शासन की गद्दी संभाली किंग तुत एज ही वाइडली नॉन टुडे राजा तुत के नाम से वो आज भी जाना जाता है द बॉय किंग सून चेंजड हिज नेम टू तूतन खेमन उस बॉय किंग ने शीघ्र ही अपना नाम बदल करके तुतेन खामेन रख लिया लिविंग इमेज ऑफ अमन जिसका अर्थ है अमन की जीवित तस्वीर एंड ओवर शो ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड बेस और उसने पुराने और तरीकों को फिर से अपनाया ही रिजाइंड फॉर अबाउट नाइन ईयर्स एंड देन डैड अनएक्सपेक्टेडली उसने लगभग नौ साल तक शासन किया और फिर अचानक उसकी मृत्यु हो गई रिगार्डलेस ऑफ इस फेम एंड द speculations अबाउट his फेट तुत इज वन ममी अमोंग मैनी इन इजिप्ट उसकी प्रसिद्धि की परवाह किए बिना और उसके भाग्य के आकलन के बिना तुत मिस्र की अनेक ममियों में से एक है कितनी कोई नहीं जानता हाउ मैनी नो वन नोज द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट टू थाउजेंड थ्री हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड फार एंड इज स्टिल काउंटिंग द नेक्स्ट फेस स्कैनिंग द ममीज वेद पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड स्कीमर इट्स मैन्युफैक्चरर सो गाइस, इट मीन्स मिस्र का ममी प्रोजेक्ट जिसने सन 2003 के आखिर में खोज की थी अब तक 600 ममियों को कलमबद्ध कर चुका है और अब भी गिन रहा है King Tut is one of the first mummies to be scanned. In death is in life, moving regally ahead of his countrymen. अगला पढ़ाओ। मरम्यों की स्कैनिंग उस पोटेबल मशीन से करना, जिसे नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और उसको इसको बनाने वाली कंपनी सीमेंस द्वारा दान में दिया गया था राजा तुत पहली ममी है जिसको जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया है वह अपने लोगों के आगे राजसी तरीके से जा रहा हो सी टी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टू क्रिएटिंग 1600 डिजिटल X-रे इन क्रॉस सिक्स सो गाइस, इट सत्रह 1700 डिजिटल X-रे तस्वीरों का निर्माण क्रॉस एक्शन में करते हुए सी स्कैन मशीन ने ममी को सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक स्कैन किया। कियाड स्कैन इन जीरो पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स ऑन इरेक डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज सो गाइस इट मीन्स तुत का सिर जिसे जीरो पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर की कतरनों में इसके पेचीदा ढांचे को अंकित करने के लिए स्कैन किया गया था प्रणाम स्वरूप बनी तस्वीर में अद्भुत जानकारी देता है तुत के पूरे शरीर का इसी तरह अंकन करके रेडियोलॉजी अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों ने उन रहस्यों का पता लगाना शुरू कर दिया जिनको सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय से बचा कर रखा था प्रोटेक्टेड सोलॉन्ग so इतने समय से बचा करके रखा था So, thank you guys. It was the next part, and the rest part you will get in the next video. Till then, thank you. Bye bye.